आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे माउंट्स को, फिंगर्स की सेटिंग को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि हम फिंगर्स को देख सकते हैं, यहाँ पर इनके हाथ की जो फिंगर्स हैं वो काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा बेंट है यहाँ पर इस फिंगर में अगर देखा जाए तो, थोड़ा झुकाव हो रहा है सैटर्न की फिंगर की तरफ, इसी तरह से थोड़ा सा झुकाव मरकरी फिंगर में भी है, तो थोड़ी सी वैराग्य जैसी भावना इनके अंदर रह सकती है, लेकिन एनर्जी और स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर अगर लेंथ की बात की जाए तो दोनों फिंगर्स की लेंथ जो है लगभग इक्वल नज़र आ रही है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो दोनों फिंगर्स की जो लेंथ है वह इक्वल दिखाई दे रही है, दोनों के फैलेंज भी लगभग इक्वल ही बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगी इनके अंदर, लीडरशिप की क्वालिटीज़ और साथ ही साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ दोनों ही अच्छी रहने वाली हैं। और अगर बात की जाए मर्करी फिंगर की तो थोड़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है, थोड़ी सी शाइनेस रह सकती है इनके अंदर, और थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इनको हेजिटेशन हो सकती है। और यहाँ पर इनका अंगूठा मैंने चेक किया था, थोड़ा फ्लैक्सीबल दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाना चाहूँगा फ्लैक्सीबल अंगूठा जो लगभग थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, फ्लैक्सीबल थंब इनका नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे लोग बहुत ही एडजस्टेबल होते हैं और बहुत जल्दी किसी से मित्रता कर लेते हैं, बड़ी मिलनसार होते हैं। और ख़ास तौर पर फ्लैक्सीबल अंगूठा होने की वजह से ऐसे लोग थोड़े से खर्चीले भी होते हैं और ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, और साथ ही साथ यह थोड़ा सा टाइम भी अपना वेस्ट करते हैं कुछ ऐसी लोगों के साथ फालतू बैठने में, या टाइम स्पेंड करने में भी थोड़ा अपना समय यह व्यर्थ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट की भावना इनके अंदर रहती है। और यहाँ पर इनके हाथ में मुझे एक मोल दिखाई दे रहा था जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने अभी सर्कल किया है, एक मोल दिखाई दे रहा है, मोल थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देने वाला है हाथ में, फैमिली रिंग के पास इस मोल का होना, तो इन्हें तो अपना खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोल होने की वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यह 100% नहीं होता कि डायबिटीज़ होगी ही, लेकिन चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा शुगर इनटेक अपना कम करना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान एक्सरसाइज से रखना चाहिए। इस मोल की वजह से इन लाज की तरफ से भी कुछ बैड न्यूज़ मिलने के चांसेस रहते हैं, कुछ इस तरह की यह स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि अंगूठे के फैमिली रिंग के पास ऐसा मोल होना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता, तो इन्हें अपनी हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे चेक करते हैं फिंगर्स के बाद माउंट्स को और इनकी फिंगर्स की सेटिंग इनके बारे में क्या बताती है, थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो माउंट्स हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो किस तरह की लाइन यहाँ पर बनकर सामने आएगी, तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, लगभग कुछ ऐसी लाइन लगभग सामने आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती नज़र आ रही है। और अगर बात की जाए तो माउंट कोई भी लो सेट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर फिंगर जो है इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इनको कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत रह सकती है, अदरवाइज माउंट्स यहाँ पर कोई भी लो सेट नहीं है, एवरेज हैं, थोड़े से हाई सेट ही कह सकता हूँ। अब बात करते हैं वन बाई वन एक एक माउंट की, इनके माउंट हमें किस तरह के फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली, अगर मैंने थोड़ा स्क्रॉल करके साइज इसको बड़ा किया है, तो बृहस्पति माउंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक स्क्वायर जैसा चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है, और एक बहुत ही अच्छी लाइन लाइफ की लाइन से निकलकर बृहस्पति माउंट के ऊपर पहुंचती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से आप देखें तो यहाँ से एक लाइन निकलकर काफ़ी ऊपर तक चलती हुई, और यहाँ पर एक स्क्वायर का शेप बनता हुआ नज़र आ रहा है लगभग इस तरह का, जो काफ़ी लकी माना जाता है। इस लाइन का ऊपर तक पहुँचना यानी हर तरह से प्रोटेक्शन मिलना इनको, और दूसरा यह स्क्वायर जैसा चिन्ह बनना यानी कि इस स्क्वायर के चिन्ह से इनको प्रोटेक्शन मिली और लाइन से प्रोग्रेस मिलना लाइफ में, इस लाइन को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, और लाइफ में लगातार प्रोग्रेस होती रहती है जिनके हाथ में कुछ ऐसी लाइन बनती है। तो यहाँ पर यह माउंट इनका जो बृहस्पति का माउंट है काफ़ी अच्छा फल देने वाला नज़र आ रहा है,
आगे चेक करते हैं सैटर्न माउंट की। तो सैटर्न माउंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो सैटर्न माउंट काफ़ी दबा हुआ दिखाई दे रहा है और सैटर्न की लाइट भी यहाँ पर कम्प्लीटली सीधी लाइन नहीं पहुँच पा रही। तो सैटर्न की तरफ से बहुत ज़्यादा शुभ फल इनको नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर सैटर्न थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के साथ अगर बात की जाए सूर्य माउंट की, तो सूर्य का माउंट भी यहाँ पर मुझे दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनका जो स्पेसिफिकली सबसे अच्छा माउंट है वह बृहस्पति का है, और दूसरे नंबर पर अगर माउंट की बात की जाए तो मरकरी का माउंट कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मरकरी का माउंट हाई सेट होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें बन रही हैं जो बिजनेस के एक तरह की कैपेबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करती हैं। तो बिजनेस करने की क्षमता इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ जो माउंट्स हैं इनके सूर्य और शनि, इनकी तरफ से थोड़े से नेगेटिव प्रभाव इनको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इनको उपाय करने चाहिए सूर्य और शनि के, ताकि इनके जो नेगेटिविटी है उसको कम किया जा सके। आगे चेक करते हैं लाइंस को। लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं, वन बाई वन सारी लाइंस को चेक करते हैं यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन इनके बारे में क्या हमें बताती है। तो सबसे पहले ड्रॉ करूँगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन इनकी कुछ इस कोर्स में चल रही है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है ऊपर की तरफ जाते हुए, तो हल्की डार्क होती नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग इतना एरिया जो लाइन का है वो बहुत ही लाइट है, और असली लाइन की जो कमेंसमेंट है वो यहाँ से होती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हार्ट की लाइन कुछ इतनी है। तो अगर इस तरह की हार्ट की लाइन को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर यह शो होता है कि काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, लेकिन एक बहुत ही हल्की लाइन आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है बृहस्पति की तरफ, जो इनको एक तरह से मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ दे रही हैं, बिल्कुल दोनों माउंट्स के सेंटर तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। तो इमोशंस काफ़ी अच्छे रहते हैं इनकी, लाइन कुछ इस लेवल तक अपवर्ड जाती है, तो इमोशनल पर्सनैलिटी भी रहती है, साथ ही साथ सेल्फ सेंटर्ड यानी मटेरियलिस्टिक होने के साथ साथ रिलीजियस पर्सनैलिटी भी व्यक्ति की बनती है। तो यहाँ पर हार्ट की लाइन में मुझे कोई भी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। कुछ हल्की लाइंस हैं जो नीचे की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनकी वजह से कुछ इनको अलग अलग एजेस में कुछ एक तरह से सेटबैक्स मिल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी मेजर प्रॉब्लम हार्ट की लाइन में नहीं दिखाई दे रही। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन को। माइंड की लाइन लगभग बृहस्पति एरिया से चलती हुई नज़र आ रही है अगर देखा जाए यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से ऊपर से चलती हुई लाइन और हथेली के आर पर पहुँचती हुई, जो इनको काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है। यहाँ से अगर आप देखें तो लगभग इस तरह की लाइन, और साथ में यहाँ से एक लाइन निकल कर पहुँचना बृहस्पति के ऊपर, तो बृहस्पति जो माउंट है वो हमारी एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति से चलने वाली लाइन जो इनके हाथ में दिखाई दे रही है, लगभग एक ब्रांच जो है दूसरी ब्रांच मंगल से आती हुई जो इनको अग्रेसिव बनाती है, और एक ब्रांच बृहस्पति से चलती हुई जो लगभग इनके अंदर एम्बिशंस भरती है, और काफ़ी सीधी और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से बहुत ही शार्प माइंड इनका रहने वाला है। बिजनेस के मामले में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी मून की तरफ से चलने वाली फेट लाइन है उसके साथ एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से पैसा इनके पास काफ़ी आएगा और पैसा काफ़ी ये स्टोर भी कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है यहाँ पर इनके माइंड की लाइन की और फेट लाइन और मर्करी लाइन की, तो एक मनी ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी यहाँ पर इनकी इन लाइन से शो हो रही है। आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ की लाइन इनके बारे में हमें क्या क्या बता रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी लाइफ की लाइन है एक अच्छे कोर्स के बाहर की तरफ चलती हुई और उसके बाद वापस वीनस एरिया को कवर करती हुई नज़र आ रही है। आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन लगभग कुछ इस तरह के कोर्स में चलती हुई और यहाँ से पीछे की तरफ वापस मुड़ती हुई, जो शो करती है कि अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा फैमिली के साथ काफ़ी अच्छी अटैचमेंट इनकी रहने वाली है, और साथ ही साथ बाहर की तरफ लाइन का जाना तो इनकी डिज़ायर्स को, ट्रैवलिंग की डिज़ायर को शो करता है। तो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा लिखी है इनकी लाइफ में, बहुत सारी लाइंस जैसे यहाँ पर ये जो फेट लाइन है
यह भी मून एरिया से चलती नजर आ रही है, तो लगभग काफी सारी और भी लाइंस मून एरिया पे बनती नजर आ रही हैं। तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फॉरेन में सेटलमेंट के कोई भी चांसेस नहीं है। फॉरेन ट्रैवलिंग भी इनकी लाइफ में काफी ज्यादा रहेगी, और प्रोग्रेस भी काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो वीकनेस नजर आ रही है वह है सैटर्न के माउंट में और सूर्य के माउंट में। तो इनको शनि और सूर्य के उपाय करने चाहिए ताकि इनकी जो रुकावटें हैं, क्योंकि सैटर्न की वजह से डिले होती हैं चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो आसानी से इनको मिल सकती हैं उनमें डिले हो सकता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर मुझे वीक दिखाई दे रहा है। तो अगर सैटर्न के यानी कि शनि के ये उपाय करते हैं तो इनको इनकी जो रुकावटें हैं, जो प्रोग्रेस के अंदर रुकावटें हैं वह दूर होंगी। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट से लाभ चाहते हैं और पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो सूर्य के उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है। सूर्य के उपाय अपनी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। अगर सूर्य के उपाय करते रहेंगे तो आई साइट वीक नहीं होगी और हेल्थ में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो दोनों उपाय इनको मैं यहाँ पर रेकमेंड करता हूँ कि सूर्य और शनि के उपाय करें, अदरवाइज लाइफ में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छी लाइनें हैं यहाँ पर, एक मार्स की लाइन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो लाइफ लाइन के साथ चलने वाली, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस मिलने के भी काफ़ी चांसेस इनको रहेंगे, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, सपोर्टिव है। तो लगभग सारे चिन्ह जो इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रहे थे मैंने इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया और कोशिश की कि कोई भी चिन्ह ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह जाता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह जाता है जो इस वीडियो में आंसर नहीं हो पाया हो तो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में नंबर वाइज लिखकर भेजें ताकि मैं इनके हाथ को दोबारा से चेक करके उन क्वेश्चन के आंसर्स टाइमली मैनर पर दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।